नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की वजह से आधी दुनिया में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, लैटिन अमेरिका से लेकर पश्चिम एशिया तक विकासशील देशों में लाखों लोग स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीकाकरण अभियान में पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच अंतर बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने कोविड-19 रोधी टीके की 1 अरब खुराक देने का वादा किया था, लेकिन उसने केवल 4.8% खुराकों का ही निर्यात किया है। टीके में निवेश करने वाले रूस के सरकार नियंत्रित राजकोष के प्रमुख ने बुधवार को कहा था कि टीके की आपूर्ति की समस्या हल कर ली गई है। गर्शिया द पेरेज ने मई में कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी। वह अब स्पुतनिक वी टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रही है। वह पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हुई। उसके जीवित रहने की उम्मीद कई दवाओं और घर पर हो रही देखभाल पर टिकी हुई है। वेनेजुएला ने दिसंबर 2020 में स्पुतनिक की 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे 40 लाख से भी कम खुराकें मिली। अर्जेंटीना को 25 दिसंबर को स्पुतनिक की पहली खेप मिली थी, लेकिन वह अब भी 2 करोड़ खुराकों का इंतजार कर रहा है। वहीं दोस्तों स्पुतनिक वी का प्रयोग सबसे पहले अगस्त 2020 में किया गया था और करीब 70 देशों में इसे मान्यता मिली। कोविड-19 के अन्य टीकों के बजाय स्पुतनिक की पहली और दूसरी खुराक अलग है। उत्पादन में मुश्किलों, खासतौर से दूसरी खुराक के अवयवों को बनाने में दिक्कत से इन टीकों के निर्माण में देरी हुई। विशेषज्ञों ने इसके लिए उत्पादन की सीमित क्षमता के साथ ही इस प्रक्रिया की जटिलता को जिम्मेदार ठहराया है। और दुनिया के कई देश अभी भी स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फिर बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, जान लीजिए कितना हुआ भाव। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन की राहत के बाद शुक्रवार को दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 0.35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। और डीजल की बात की जाए तो डीजल के दाम 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों देश के कई सारे राज्य और जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 110 रुपए को पार कर गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर मामले में निहंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए किया सरेंडर। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर मामले में निहंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। निहंग सरवनजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर किया। पुलिस के सामने सरवनजीत सिंह ने दावा किया कि हत्या के पीछे उसी का हाथ है, उसे हाथ काटने और हत्या की जिम्मेदारी ले ली। पुलिस के मुताबिक अब सरवनजीत से पूछताछ में इस बात का पता लगाया जाएगा कि उस वक्त उसके साथ वहां और कौन कौन मौजूद था। पुलिस उन सभी वीडियोस को भी खंगाल रही है जिसमें यह पता लग रहा है कि हत्या कितनी निर्ममता से की गई। पुलिस ने कहा कि जांच में और लोगों से भी पूछताछ होगी। अगर कोई आरोपी हत्या में शामिल पाया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले सिंघू बॉर्डर की घटना पर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्री अनिल विज और पुलिस महानिदेशक सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में घटना की जानकारी के लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त और निष्पक्ष कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या के मामले में अब तक 2 नाम सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी छात्रावास की आधारशिला, बोले अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में छात्रावास की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाया गया हॉस्टल फेज 1 के भूमि पूजन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आज हॉस्टल के फेज 1 का भूमि पूजन हुआ। साल 2024 तक दोनों फेज के काम को पूरा कर लिया जाएगा। आपके इन प्रयासों के साथ कई युवाओं को अपने सपने साकार करने का अवसर मिलेगा। मैं सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की प्रेरणा देता है जिन्होंने जन चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी अगले वित्तीय संकट का कारण बन सकती है क्रिप्टो करेंसी। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जब तक कड़े नियमों को पेश नहीं किया जाता, क्रिप्टो करेंसी वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दे सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर जॉन कुनलिफ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत में भारी गिरावट निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय परिदृश्य है और वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में संक्रमण की संभावना है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन कुनलिफ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का पतन व्यक्तिगत निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों के लिए तस्वीर कम स्पष्ट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर की शस्त्र पूजा, बोले विभाजन का दर्द अब तक नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 96वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को नागपुर में शस्त्र पूजा की और स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में इजरायली महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी भी मौजूद रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी तिथि के मुताबिक विजयदशमी के दिन ही साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ हमने एक अत्यंत दुर्दर वेदना भी अपने मन में अनुभव की और वो दर्द अभी तक गया नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ, अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसे जानना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेलुलर जेल का अमित शाह ने किया दौरा, बोले सावरकर कहते थे कि ये तीर्थों में महातीर्थ है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। वे जेल की उस सेल में भी गए जहां पर उस विनायक दामोदर सावरकर को कैद किया गया था। जेल के अंदर पहुंचकर उन्होंने सावरकर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय का दौरा भी किया। सेलुलर जेल का दौरा करने पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि आज दूसरी बार मुझे आजादी के तीर्थ स्थल पर आने का मौका मिला है। मैं जब जब यहां आता हूं, एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करके यहां से जाता हूं। देशभर के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेलुलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, इसलिए सावरकर कहते थे कि तीर्थों में महातीर्थ है, जहां आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई के गवर्नर ने कहा भारत अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उदार बना रहेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि भारत मजबूत इकोनॉमिक रिकवरी का अनुभव कर रहा है और उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उदार बने रहने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत मजबूत आर्थिक सुधार देख रहा है, लेकिन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता है। उनके भाषण के हिस्से को आईएमएफ ने जारी किया है। इस वीडियो क्लिप में दास ने कहा कि इसलिए हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उदार बने रहने का फैसला किया है, जबकि साथ ही मुद्रा स्फीति के परिदृश्य पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांधार की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका, 32 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की बात की जाए तो दक्षिणी अफगानिस्तान के कांधार में एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान यह धमाका हुआ। अफगानिस्तान में बीते एक हफ्ते के दौरान शिया मस्जिद पर हमले की यह दूसरी बड़ी घटना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि कांधार की एक मस्जिद को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इससे हफ्ते भर पहले देश के उत्तरी हिस्से में इसी तरह का स्पोर्ट किया गया था। उन्होंने मामले की अधिक जानकारी मुहैया नहीं कराई और कहा कि फिलहाल धमकी की जांच की जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। जुम्मे की दोपहर में होने वाली नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। पिछले वाले धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का इंतकाम, श्रीनगर में नागरिकों की हत्या करने वाले टीआरएफ के आतंकी का काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में सेना की कार्यवाही काफी तेज हो गई है। लगातार आतंकवादियों संग मुठभेड़ हो रही है, उनका सफाया किया जा रहा है। एक बार फिर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी का सफाया कर दिया। मुठभेड़ के दौरान खालिद बशीर नाम के आतंकी को मार गिराया गया। इस आतंकी ने ही 2 अक्टूबर को एक सिविलियन की हत्या कर दी थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी दी है कि खालिद बशीर नाम के आतंकी ने 2 अक्टूबर को मोहम्मद शफीदार की हत्या कर दी।
दी थी। गोलियों से भूनकर बेकसूर की जान ले ली गई थी। इससे पहले भी आतंकी लगातार कई आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे थे। इसी वजह से सुरक्षा बलों ने अपनी कार्यवाही तेज की और कम समय में अपना इंतकाम ले लिया। इसी कड़ी में अब शुक्रवार को पुलवामा में लश्कर के आतंकी का सफाया कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, भारत में बड़ी भुखमरी, जानिए दुनिया में किस नंबर पर है हमारा देश। जी हां दोस्तों, भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी में सूचकांक 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। यानी कि भारत से अच्छे 100 देश हैं जिनमें भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत 116 देशों में 101वें नंबर पर है। इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। यानी कि दोस्तों पिछले साल यानी 2020 में भारत 94वें नंबर पे था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट ने बीते गुरुवार को साल 2021 की GHI की लिस्ट जारी की। भारत इस साल 7 पायदान और खिसक गया। इस साल चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से भी कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। सहायता कार्यों से जुड़े आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और जर्मनी का संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा पंच को मिले 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हां दोस्तों, एक्सीडेंट के वक्त बड़े और बच्चे रहेंगे ज्यादा सुरक्षित। दोस्तों टाटा मोटर्स की हाल ही में पेश की गई मिड साइज की SUV को ग्लोबल NCAP के एडल्ट्स की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग और बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है। जनवरी 2020 में अल्ट्रोज और दिसंबर 2018 में नेक्सन के बाद नई पंच टाटा का तीसरा व्हीकल है जिसे 5-स्टार सिक्योरिटी रेटिंग मिली है। दोस्तों नई टाटा पंच को कंपनी ने एडवांस इंजन, लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर पर बनाया है। पंच का लंबा स्टांस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ड्राइविंग पोजीशन यूजर को सड़क का एक कमांडिंग व्यू ऑफर करता है। पंच सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती है जिनमें से कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। इनमें ड्यूल एयरबैग, EBD के साथ ABS और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लैंप, चाइल्ड सीट ISO, फिक्स एंकर पॉइंट, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, टायर पंचर रिपेयर किट मिलते हैं। इसके फर्स्ट फीचर सेगमेंट में ब्रेक्स वे कंट्रोल भी शामिल है। दोस्तों इस कार की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसे कि 21,000 रुपए से आप बुक कर सकते हैं और इस कार की कीमत का खुलासा 18 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 46 लाख के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,40,37,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,50,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 455 रुपए की तेजी के साथ 46,987 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 46,532 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 894 रुपए उछलकर 61,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,795 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.20 प्रति औंस पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज दरों में की बड़ी कमी, गोल्ड लोन, होम लोन और कार लोन पर ग्राहकों को दे रहा है भारी छूट। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक ने फेस्टिवल ऑफर के तहत गोल्ड लोन पर ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान किया है। बैंक ने बताया कि उसने सोने के आभूषण और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बदले दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर में 1.45% की कमी कर दी है। इस सरकारी बैंक ने कहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब 7.20% और
और सोने के आभूषणों के बदले 7.30% की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। दोस्तों पीएनबी ने होम लोन की ब्याज दर भी घटा दी है। अब बैंक ग्राहकों को 6.60% की किफायती दरों पर होम लोन उपलब्ध कराएगा। वहीं पीएनबी के कार लोन की दरें 7.15% से शुरू हो जाएंगी, जबकि पर्सनल लोन को पीएनबी के ग्राहक 8.95% की शुरुआती ब्याज दर पर ले सकते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने फेस्टिवल सीजन पर दिए जाने वाले विशेष ऑफर के तहत इन सभी लोन पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ मैच से पहले ही पाकिस्तान में फिक्सिंग केस का भंडाफोड़, हुए कई खुलासे। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खुद पाकिस्तानी कप्तान ने स्वीकार किया है कि भारत के खिलाफ मैच उनके लिए अहम मुकाबला है। इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेट में फिक्सिंग का भंडाफोड़ हुआ है। दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बार फिर फिक्सिंग का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग की जानकारी नहीं देने के आरोप में नेशनल T20 कप खेलने वाले जिशान मलिक को सस्पेंड कर दिया है। इसके चलते वे अब किसी भी तरह के टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिशान ने 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने 56 की औसत से 225 रन बनाए थे। इससे पहले इसी नियम का हवाला देते हुए पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल को भी पीसीबी ने सस्पेंड किया था। पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पूर्व कप्तान सलमान भट्ट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल समेत कई बड़े खिलाड़ी फिक्सिंग करते पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत में हो रहा है सुधार, एम्स अधिकारियों ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। इस बात की जानकारी एम्स अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। मनमोहन सिंह को बुधवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था। बुखार के बाद कमजोरी की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का फैसला लिया गया था। राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत बेहतर होने की कामना की है। दोस्तों समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एम्स के अधिकारियों ने बताया कि मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 89 वर्षीय कांग्रेस नेता को अस्पताल के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया था। यहां उनकी देखभाल डॉक्टर नीतीश नायक की अगुवाई में एक टीम कर रही है। गुरुवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मनमोहन सिंह के हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अस्पताल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका जाने वालों के लिए अच्छी खबर, वैक्सीन की डोज ले चुके लोग 8 नवंबर से जा सकेंगे US। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जाने वाले दूसरे देशों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका ने शुक्रवार को विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए इंटरनेशनल ट्रेवल पॉलिसी की घोषणा कर दी है, जिसके तहत केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही अमेरिका में 8 नवंबर से एंट्री मिलेगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी की शुरुआत में विदेशी यात्रियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक लगाई थी। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई नीति से भारत जैसे देशों के लोगों को यात्रा संबंधी पाबंदी से निजात मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2, सनी देओल की गदर 2 का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, अमीषा पटेल भी आएंगी नजर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। काफी दिनों से खबरें चल रही कि वे बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। इस खबर पर मोहर लगाते हुए उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि वह 15 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। यह बड़ा ऐलान हो गया है, सनी देओल अपनी सुपरहिट फिल्म गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। इस बार भी उनका साथ देने के लिए अमीषा पटेल साथ में होंगी और उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। फिल्म को अनिल शर्मा ही डायरेक्ट करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनी देओल ने अपने ट्विटर हैंडल पर कल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया था, जिस पर लिखा था 2 और 1 लाइन लिखी थी, द खाता कंटिन्यू। इसके बाद से ही फैंस में उनकी गदर 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और वह फिल्म को लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनी देओल अब जल्द ही आर बाल्की की थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्ट और श्रेया धन्वंतरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। खास बात यह है कि सनी देओल और पूजा भट्ट साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अंगरक्षक और साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में भी साथ काम कर चुके हैं। सनी देओल को आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना में देखा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है दिवाली से पहले ही। जी हाँ दोस्तों, जियोफोन नेक्स्ट इस दिवाली से पहले बाजार में आ सकता है। हालांकि पहले इसे 10 सितंबर तक बाजार में उतारने का प्लान था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय रिलायंस जियो ने कहा था कि कुछ लिमिटेड यूजर्स के साथ इस फोन की टेस्टिंग की जा रही थी ताकि दिवाली से पहले इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा सके। दोस्तों अब बता दें आपको कि इन दिनों चिप की किल्लत के चलते स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को खासी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने जियोफोन नेक्स्ट की डिलीवरी को इस प्रॉब्लम से भी जोड़ा। पिछले महीने कंपनी ने भी कहा था कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से थोड़ा समय अधिक लग रहा है। जियोफोन नेक्स्ट को लॉन्च करने का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो अभी फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जियो ने खुलासा किया था कि जियोफोन नेक्स्ट दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा। हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्टों का अनुमान है कि भारत में नए जियोफोन की कीमत 3,500 रुपये के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। IPL 2020 का खिताब कौन सी टीम ने जीता था? अगर दोस्तों जानते हैं आप उस टीम का नाम जिसने कि IPL 2020 का खिताब अपने नाम किया था, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।